नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है पीएनसी प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन। प्रमोटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड कम्बिनेशन का मतलब होता है आपकी सिलेक्शन। तो मैंने इसको जो पहला मेरा लेक्चर है उसमें मैंने अच्छे से इसको समझाया हुआ है। इसको वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखना, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक टू जो हाई है समझ आएगा अच्छे से। ये जो चैप्टर है इसमें से एक क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आता है, कोई भी एग्जाम उठा लो आप, रेलवे, बैंकिंग एंड SSSC। बैंकिंग की अगर बात करो उसमें तो इसके 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, मेन में इसके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर कुछ ऐसा है नहीं है जो हम बच्चे को बनाते हैं, बहुत चैप्टर नाम की चीज है ही नहीं है, कॉन्सेप्ट है हल्का सा, वो समझना है बस आपने। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा चैप्टर। इसके क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा थोड़े से 5-10 क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया बढ़िया से जो इंपॉर्टेंट है उसके बाद, ठीक है। मैं हल्का सा इसको थोड़ा सा आपको दोबारा से इसको रिव्यू दे रहा हूँ। प्रमोटेशन मतलब अरेंजमेंट, प्रमोटेशन मतलब अरेंजमेंट एंड कम्बिनेशन मतलब हुआ हमारे पास सिलेक्शन। अरेंजमेंट्स में हम कौन कौन सी अरेंजमेंट्स करेंगे, जैसे हमारे पास वर्ड अरेंजमेंट्स है, उसके बाद हमारे पास जैसे हम पर्सन्स को भी अरेंज करते हैं, पर्सन्स अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट। एंड इसके अलावा बहुत सारी अरेंजमेंट्स है, जितनी भी हम अरेंजमेंट्स होंगी जिसमें हम प्लेस की बात करेंगे, किसी को बंदे को बैठाएंगे, ऑब्जेक्ट को वहां बैठाएंगे, फिर उसको रिप्लेस करेंगे, वो सब बातें इसमें आ जाएंगी। और सिलेक्शन में वो सब बातें आएंगी जो हम सिलेक्शन करेंगे, इसमें हम कोई प्लेस की बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम थोड़ा सा लेते हैं कि भाई प्रमोटेशन जो है हम कंटिन्यू करते हैं आगे। एग्जाम्पल लिया मैंने एक कि जैसे हमारे पास 5 चेयर्स हैं एंड 5 पर्सन हैं। 5 चेयर्स पर 5 पर्सन को हम किस तरीके से बैठाएंगे, कितने तरीके से हम उसको बैठा सकते हैं। तो हमारे पास हमने 5 चेयर ली जैसे हमने पहले लेक्चर में किया था, फिर हमारे पास 5 पर्सन है, 1, 2, 3, 4। अब 5 पर्सन है हमारे पास तो 5 चेयर है, तो ये बंदा जो है कितने तरीके से इस चेयर्स पर बैठ सकते हैं। तो जो पहला बंदा जब आता है बैठने के लिए उसके पास 5 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो मैं लिखूंगा इसके लिए 5 ऑप्शन अवेलेबल है, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1, क्यों ऑप्शन कम होते चले जाएंगे, ठीक है। जब हम इसका आंसर निकालते हैं टोटल अरेंजमेंट्स क्या होती हैं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 120, ठीक है। अगर इस तरीके से मैं ये बोल देता हूं कि भाई यहां पर जो पर्सन है वो 3% है या 2% है, तब हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे किया रफ, पहला पर्सन है उसके लिए 5 चेयर है, दूसरा पर्सन उसके लिए 4 चेयर बचती है, तो इसका आंसर होगा 20, समझा रहे। इसी तरीके से अगर यहां पर 1% हो, 1% होगा, बस हमारा आंसर 5 ही रहेगा, 3 आंसर। तो ये सारे ऑप्शन के ऊपर है कि हमारे पास ऑप्शन कितने अवेलेबल होते हैं, हमारे को उस ऑप्शंस को कितने ऑब्जेक्ट्स में सेट करने हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर में हम सारे क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप उसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन हाउ मेनी वे कैन ए पर्सन सेंड इनविटेशन कार्ड टू 6 ऑफ हिज फ्रेंड्स इफ ही हैज 4 सर्वेंट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द कार्ड्स। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 6 to power 4, 4 to power 6, 24 एंड 120। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 6 कार्ड है, या हमारे पास 6 कार्ड है, हमने 6 हमारे फ्रेंड्स को भेजने हैं, तो उनको भेजने के लिए 4 नौकर हैं, तो हम उसको 4 नौकरों को यूज करके ऐसे कितने तरीके बना सकते हैं कि वो जो कार्ड है हमारे 6 फ्रेंड पर पहुंच जाए, ठीक है। आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। चलो देख लेते हैं। हम हमारे पास कार्ड्स हैं और हमारे पास सर्वेंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास कार्ड्स और हमारे पास सर्वेंट्स हैं। अब मुझे बताओ कि भी हम कार्ड्स को जब देंगे सर्वेंट्स को देंगे, तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल कौन से वाले हैं, यानी कि मेरे पास ऑप्शन तो ये हुआ ना, ठीक है। हमारे को 6 फ्रेंड्स को भेजना, हमें ये तो बात क्लियर है, बट हमें कार्ड को सर्वेंट को देना है, यानी कि एक तरह से ये देखेंगे कि भी एक व्हीकल कौन बना है कार्ड के लिए, कार्ड के लिए व्हीकल बना है सर्वेंट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन है, सर्वेंट है। तो
अगर मैं एक कार्ड उठाऊंगा, पहले वाला कार्ड उठाता हूँ, तो मैंने उस छह फ्रेंड है मेरे पास लिस्ट है, मैं बोलता हूँ कौन दे के आएगा उस कार्ड को, तो चारों नौकर हैं, चारों नौकर में से कोई सभी आ सकता है, उसको बोले मैं दे के आऊंगा, मैं दे के आऊंगा, मैं दे के आऊंगा। तो पहले कार्ड के लिए कितने ऑप्शन हो गए? चार ऑप्शन हो गए, ठीक है। फिर मैंने दूसरा कार्ड उठाया, जब मैंने दूसरा कार्ड उठाया तो उसके लिए मेरे पास कितने फिर नौकर हैं, मेरे पास कितने बंदों को मैं कितने नौकर के थ्रू मैं उसको दे सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है दूसरा कार्ड भी हम फोर सर्वेंट के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए चार ऑप्शन होंगे। तो कार्ड, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। इसके लिए मेरे पास चार चार नौकर हैं, इसके लिए भी फोर सर्वेंट, इसके लिए फोर, इसके लिए फोर, इसके लिए फोर, इसके लिए भी फोर, तो फोर 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 ऐसे हो गए हमारे पास, ये ऑप्शन बन गए। हमने इसमें ऑप्शन हमारे पास सर्वेंट्स हैं और कार्ड हमारा एज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हमने एक्सटेंड नहीं करना है, इसको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। चार नौकर मतलब चार गाड़ियां समझ लो, उसको भी चार गाड़ियां हैं, चार गाड़ियों पर हमने रख के बैठने हैं सामान को, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास सर्वेंट है। तो अगर मैं ये फोर 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 हमने पास हमारे पास आ गए, बट हम टोटल अरेंजमेंट्स की जब बात करते हैं तो मुझे पता है कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको इंटू 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 एंड हमारा आंसर आ जाएगा 4 raised to power 6, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कई बार 6 raised to power भी दिया हो सकता है, ठीक है, ये गलत होगा, हमारे पास ये वाला सही होगा। हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि भी हमारे पास इसमें ऑप्शन कौन सा है अवेलेबल, प्लेस कौन सा है एंड हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, किसको हमने रखना है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर है, तो देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 prizes बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 8 students इफ ईच स्टूडेंट्स कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज। ऑप्शन है 40, 5 raised to power 8, 8 raised to power 5 एंड 120, ठीक है। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? अब इसको हमारे को पेन पेपर की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, करने वाला बच्चा कर भी सकता है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में, हिंदी में बता रहा हूं कि इसने क्या बोला गया इसमें, कि हमारे पास 5 prizes है, हमारे पास 5 पुरस्कार है, 5 पुरस्कार को हमने 8 students को देना है, ठीक है। उसमें यह बात भी कह रहे हैं कि कोई स्टूडेंट है वो कितने भी अवार्ड ले सकता है, 5 of 5 अवार्ड ले सकता है, ठीक है। तो हमने जो अवार्ड्स को स्टूडेंट्स को देना है, ठीक है, या स्टूडेंट्स के पास हमने अवार्ड किसको देना है, स्टूडेंट्स को देना है ना, स्टूडेंट तो खुद अवार्ड के पास नहीं आएगा, या समझेंगे हम कि भाई हमारा जो एक अवार्ड है वो स्टूडेंट के पास जाएगा, स्टूडेंट अवार्ड के पास नहीं आएगा, ठीक है। अवार्ड किसके लिए है, प्राइज किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, ये भी जैसे ये हमारे पास एक अवार्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 अवार्ड है, स्टूडेंट हमारे पास 8 है, 4, 5, 6, 7, 8। अब वो कह रहे हैं कि भाई जो हर एक प्राइज है वो कितने भी स्टूडेंट को जा सकता है, यानी कि एक एक स्टूडेंट 5 prizes को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो ऑप्शन बन जाएंगे, ऑप्शन बन जाएंगे हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो अवार्ड होगा, पहले वाला अवार्ड होगा, मैं उसको उठाता हूँ हाथ में कि भाई ये किस किस के पास जाएगा, मान लो उसकी उसने परफॉर्मेंस है, उन्होंने कोई काम किया है, तो भाई 8 of 8 students के पास वो जा सकता है, ठीक है, 8 of 8 को मिल सकता है, एक एक नहीं है ये कहने में, एक है लेकिन 8 को मिल सकता है, ठीक है। मेरे पास पहले के लिए 8 ऑप्शन हो गए, समझ रहे हैं इस तरीके से। तो दूसरा है मेरे पास अवार्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके लिए जो है सेकंड अवार्ड भी मिल सकता है सारे स्टूडेंट को, तो यहां भी 8 हो गई, और इस तरीके से यहां भी 8, यहां भी 8 and 8, तो मेरे पास जो है टोटल जो अरेंजमेंट्स बनेगी उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा 8 raised to power 5, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग करने वाली बात है, ये क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग के ढक्कन खोलने वाले हैं, ठीक है, आई ओपनर्स क्वेश्चन है, इसको समझ लेंगे जिससे हमारी आंखें खुली खुली रह जाएंगी।
ऐसे ही सोल्यूशन में हमारे पास बुक्स में मिल जाता है सोल्यूशन, बट हमारे को वो कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसको आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है आप उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। कहता है ए मैन हैज टू ट्रेवल फ्रॉम अलाहाबाद टू लखनऊ एंड देन फ्रॉम लखनऊ टू कोलकाता। इफ देयर आर 5 रूट्स फ्रॉम अलाहाबाद टू लखनऊ एंड 4 रूट्स टू गो फ्रॉम लखनऊ टू कोलकाता, देन हाउ मैनी ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर द मैन टू ट्रेवल फ्रॉम अलाहाबाद टू कोलकाता वाया लखनऊ। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि भी हमारे को सबसे पहले लखनऊ से कोलकाता जाना है, 5 रूट हैं। जब हम लखनऊ से कोलकाता जाएंगे, अलाहाबाद से लखनऊ जाएंगे, फिर हम लखनऊ से कोलकाता जाएंगे। ठीक है, तो अलाहाबाद से लखनऊ 5 और लखनऊ से कोलकाता 4। अलाहाबाद टू लखनऊ 5 एंड लखनऊ टू कोलकाता हमारे पास 4। हमारा आंसर क्या होने वाला है? हम ये मान लेते हैं कि भाई ये अलाहाबाद है, ये लखनऊ है। कितने रास्ते हैं? 5। 1, 2, 3, 4, 5 5 रास्ते हो गए। ठीक है, उसके बाद लखनऊ टू कोलकाता हमारे पास कितने रास्ते हो गए? 4 हो गए। अब जहां जहां से बंदा चलना शुरू करता है तो उसके पास जाहिर सी बात है 5 ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जो, अगर वो पहले ऑप्शन चाहता है तो 5 ऑप्शन में से एक चूज किया उसने, फिर उसके पास आगे फिर 4 रास्ते हो गए। इनके पहला जो गया बंदा वो इससे पहले वाले से और इसके पहले वाले से चला जाए, या इससे चला जाए, इससे चला जाए, इससे चला जाए। ठीक है, उस तरीके से एक हमारे पास रास्ता बन गया कि भी वो बंदा जो है इनमें से एक को चूज करके निकल गया, फिर दूसरा ऑप्शन यहां से उठाया, फिर उसके बाद फिर 4 ऑप्शन है, फिर तीसरा उठाया, फिर 4 ऑप्शन है, फिर 5 और चौथा उठाया, 5 उठाया, ऐसे करके। तो हमारा आंसर बन जाएगा कि 5 ये और 4 ये, 5 × 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, क्लियर है? तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वेज हो गए जाने के लिए 20। तो इसमें कुछ ऐसा समझने वाला है नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। पता लग रहा है कि यार 5 रास्ते पहले और 4 आगे हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप एक बार जाकर देख लो, और एक A to B, B to C और 5 रास्ते हो बनाओ, 4 रास्ते हो बनाओ, तो आपके पास कुल 20 रास्ते ही बनेंगे, 20 तरीके से ही आप जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स लीडर बी अरेंज्ड। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 72, 144, 360 and 720। तो इसका आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा। अब देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करेंगे। पहले जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें वो वर्ड अरेंजमेंट्स की बात कर रहा है। ठीक है, अब वर्ड अरेंजमेंट में जिसे इसने एक वर्ड दिया, हम कोई एक वर्ड लेते हैं, एक्टिव ले लेते हैं। इस क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो ये कहता है कि भाई इसको हम कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, और ये जो हमारे पास अब तो मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल दोनों होने चाहिए, विदाउट मीनिंग और विद मीनिंग। तो हमारे पास ऐसी कितनी टोटल अरेंजमेंट बनेगी, तो कैसे बनता है भाई? जैसे ये ए यहाँ पर है, तो मैं बोलता हूँ ए की जगह मैं सी लिख दूँ, या टी लिख दूँ, या आई लिख दूँ, या बी, ई को यहाँ लिख दूँ, इसको इधर, इसको उधर, ऐसे करके। ठीक है, तो प्लेस हमारे पास टोटल 5 प्लेस हो गए समझो। ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो पहला प्लेस है इस पे मैं क्या करूंगा कि इनमें से किसी एक को रखने की कोशिश करूंगा। वैसे तो ए है, बट मेरे पास यहाँ पर कितने लेटर आ सकते हैं इनमें से? 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से एक भी आ सकता, कोई भी आ सकता है। तो मैं बोलता हूँ इसके लिए 6 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब फिर जो मेरे पास यहाँ पर इनमें से एक आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर जो सेकंड प्लेस पर आएगा वो, उसके लिए कितने ऑप्शन होंगे? तो एक तो इसमें निकल गया ना,
अब ऑप्शन कितने बचे, पांच, इसके लिए पांच, इसके लिए चार, इसके लिए तीन, इसके लिए दो, इसके लिए एक, ठीक। तो हमारा आंसर आ गया 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 720। यानी कि ये हमारे पास क्या बन गया, 6 factorial, 6 factorial का आंसर क्या होता है 720, ठीक है, समझ रहे हो बात को। इस तरीके से और लेते हैं एक वर्ड लेते हैं, डिटेल। अब डिटेल है, देखो डिटेल में डी है, ई है, टी है, ए है, आई है, एल है, तो मुझे दोबारा से कितने मिल रहे हैं, 6 letters में मिल रहे हैं और 6 में से कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, जब रिपीट नहीं हो रहा था फिर दोबारा इसका आंसर क्या होगा, 6 factorial। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फिर 720 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से और लेते हैं एक, आप करके बताना, मैं ले लेता हूं प्लस, हमने प्लस लिया तो प्लस का आंसर हमारे पास क्या होगा भाई, इसमें प्लस का आंसर फिर कितने आए, 4 है, तो इसका मतलब 4 factorial और 4 factorial आपका क्या होता है, होता है 24, ठीक है। तो मुझे समझ आ रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है, बट जो अगली मैं आपको बताऊंगा उसमें थोड़े सा चेंज होगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमारे पास बोल रहा था ये कि भाई लीटर एक वर्ड है तो उसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लीटर एक वर्ड है उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो मैंने इसको रफ किया। अब लीटर में क्या फर्क है, कितने लेटर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो मैंने क्या करना, 6 factorial। बट इसमें क्या हुआ कि एक्टिव में और डिटेल में और प्लस में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, बट यहां पर देखो ई दो बार आ चुका है, ई यहां पर भी है, ई यहां पर भी है। अगर मैं ये बोल दूं कि जब हम इसको अरेंज कर रहे हैं, एक अरेंजमेंट बना रहे हैं, इस ई को मैं यहां ले आता हूं, इस ई को मैं यहां ले आता हूं, तो क्या लीटर चेंज हुआ, लीटर तो फिर वही का वही है, ठीक। इस तरीके से जो ई जो रिपीट हो रहा है इसकी वजह से कुछ अरेंजमेंट्स कम बनेंगे, वो अरेंजमेंट्स कम कैसे बनेंगे, उसको कैसे निकाल लेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इसको, जितना हमारे पास रिपीट हो रहा है, जैसे ई दो बार आ रहा है, ठीक है, यही है बस, तो 2 times आ रहा है, तो मैंने क्या करा, 2 factorial divided by 2 factorial करेंगे तो हमारा आंसर 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 and 2 × 1, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा ये 720 आ जाता है ऊपर वाला, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 360 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो एग्जांपल और लेते हैं, लीटर है, जैसे ये लीटर है तो एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको रख सकता हूं, मीनिंग। अब मीनिंग एक वर्ड है, इसमें मेरे पास कितने हैं टोटल लेटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 factorial डिवाइड बाय, अब देखो एम रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, ई हो रहा है नहीं हो रहा है, ए हो रहा है नहीं, लेकिन एन 2 times हो रहा है, तो बस ये एन 2 times और इसके लिए लिख दिया मैंने, तो मेरा आंसर आ गया 7 factorial डिवाइड बाय 2, तो 7 factorial मेरे पास होता है, 6 मेरे पास होता है 720 और मेरे पास 5040 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर है 2520, ठीक है। आगे चलते हैं, और तो हमने ले लिया से इंडियन हमने ले लिया, तो इंडियन में कितने ऐसे लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 factorial डिवाइड बाय, अब आई यहां पे 2 times आ रहा है, तो आई 2 times आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और उसके बाद एन भी 2 times आ रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है, तो 2 बार ये आ रहा है, 2 बार ये आ रहा है, इसका मतलब 2 factorial और दोबारा से डिवाइड करेंगे 2 factorial, तो 6 factorial क्या होता है, 720 होता है और ये 2 × 2, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 180, ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन के सामने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, तो वो देखते हैं क्या है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अब ये बताओगे कैसे होगा जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ वर्ड लीडिंग बी अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द वॉवल ऑलवेज कम टुगेदर, ठीक है, आपके पास लीडिंग एक वर्ड है, लीडिंग
अब देखते हैं, इसमें वो कहता है, इसने कंडीशन दी है कि जो वोवल्स हैं वो हमेशा टुगेदर एक साथ आने चाहिए, वोवल्स हमेशा एक साथ आने चाहिए और जो कंसोनेंट्स हैं कंसोनेंट्स हैं वो अलग हो सकते हैं बट वोवल्स एक साथ आने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आपने इसका सोल्व किया है तो आंसर देखते हैं कि लीडिंग में हमारे पास ई है, ए है, आई है, तो ई ए एंड आई, उसके बाद मेरे पास तीन वोवल्स हैं, कंसोनेंट्स कितने हैं, एल, उसके बाद डी, उसके बाद एन एंड जी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो वोवल्स हैं एक साथ आने चाहिए, हमने इनको एक ग्रुप में बना दिया, ग्रुप बना दिया, बट ये जो बाकी फोर बचे हैं कंसोनेंट्स बचे हैं ये एक ग्रुप नहीं बना, ये अलग है, ठीक है। तो अब आपको सामने से देखेंगे कि भी आपके पास ये एक ग्रुप है और बाकी फोर लेटर है, तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, एक तो ये है और चार ही है, एक दो तीन चार, ठीक है, चार ये हो गया एक ये हो गया। तो अब हमारे पास टोटल कितने बन गए, पांच बन गए, तो मैं लिखूंगा फाइव फैक्टोरियल, लेकिन एक्चुअल में कितने थे, देखो चार ये और तीन ये, सात थे, लेकिन उसने बोला कि भाई वोवल्स एक साथ आएंगे तो मेरे पास उसकी वजह से ये चार ये रह गए और एक ये बन गया, तो हमारे पास टोटल बन गए पांच, तो फाइव फैक्टोरियल, ठीक है। अब जब ये हम ये ग्रुप बनाया तो आपको इस ग्रुप में कितने दिखाई दे रहे हैं, तीन दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये जो ग्रुप बना है एक्चुअल में बना तो एक ग्रुप है बट इस ग्रुप में भी तो अरेंजमेंट हो सकती है ना, कि भाई जैसे ये ई है तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया कि भाई ई पहले आएगा, ए बीच में आएगा और आई बाद में आएगा, तो आई पहले भी आ सकता है और ई बाद में भी आ सकता है, यानी कि ये तीन है, तीन लेटर है इसमें, तीन वोवल्स हैं, तो मैं इसके लिए बोलूंगा मल्टीप्लाई करूंगा थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। और अब हम डिवाइड बाय कर लेंगे अगर इसमें से कोई रिपीट होता है, तो हम चेक करेंगे इसमें से रिपीट हो रहा है कुछ, ई ए आई एल डी एन एन जी कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो हमारा ये आंसर है, ठीक है। फाइव फैक्टोरियल हमारे पास होता है 120 एंड थ्री मेरे पास सिक्स होता है, तो हमारा आंसर है 720, ठीक है, समझ आ रहा है आपके पास। और एक वर्ड लेते हैं, वर्ड है कुछ भी एक वर्ड लेते हैं, हिंदुस्तान, ठीक है। अब देखते हैं इसमें वोवल अगर एक साथ आएंगे तो वोवल मेरे पास है आई, उसके बाद है यू, उसके बाद है ए, ठीक है, और मेरे पास ये ग्रुप बन गया। अब मेरे पास बचा गया एच एन डी एस टी एन। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमारे एक दो तीन चार पांच छह, छह जो दिखाई दे रहे हैं और सातवां ये है, तो छह और एक सात, सात फैक्टोरियल। अब मुझे पता है कि भाई ये जो इसके अंदर एक ग्रुप बना है इसके अंदर भी तो अरेंजमेंट होगी ना, अब इसके अंदर अरेंजमेंट होगी तो ये कितने है, तीन है, तो इसके लिए थ्री फैक्टोरियल और लिखते हैं। अब क्या हमारे पास कुछ रिपीट हो रहा है कुछ, तो मैं देखता हूं कि भाई यहां तो कुछ रिपीट है नहीं है कोई लेटर, बट यहां पर एन है और एक ये एन दोबारा से, तो एन टू टाइम्स आ रहा है, तो एन टू टाइम्स आ रहा है, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, टू फैक्टोरियल और करते हैं, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो मुझे पता है सेवन फैक्टोरियल क्या होता है, 5040, और थ्री फैक्टोरियल क्या होता है, सिक्स होता है, एंड ये टू है, तो मेरे पास कटेंगे कितने, तीन पर, तो आंसर आ जाएगा 0, 2, 1 and 5, 15, 120 हमारा आंसर हो जाएगा, समझ आ रहे हैं। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं जिससे मैं बोलता हूं आपके पास डिफिकल्ट, ठीक है। इसमें भी हम ऐसे ही समझेंगे कि जो वोवल्स हैं वो क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, तो हमारे पास एक साथ आएंगे वोवल्स आई है और फिर आई है फिर यू है, तो ये एक साथ हो गई, और बचा क्या, डी एफ एफ सी एल टी। अब हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात फैक्टोरियल, बट ये भी तो दोबारा से रीअरेंज होएंगे क्योंकि ये ग्रुप में बने हैं, तो ये तीन फैक्टोरियल। अब डिवाइड बाय देखो क्या होगा, अब ये आई दो बार रिपीट हो रहा है इसके लिए टू फैक्टोरियल इनटू में, अब यहां पर देखो डी तो नहीं आ रहा है लेकिन एफ दो बार आ रहा है, तो इसके लिए फिर से इसको सोल्व करेंगे। इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स पे टाइप करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है, डिफिकल्ट वर्ड का, ठीक है, जिसमें हमने वोवल्स को साथ रखा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अब स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे कि भी अगर वो ये बोल दे कि जैसे वोवल टुगेदर है यहां पर, अगर वो ये बोल दे वोवल एक साथ नहीं है, वोवल्स नॉट टुगेदर, तो मैंने यहां लिख दिया नॉट टुगेदर, तब आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं आंसर क्या होगा कि हमारे पास जब टुगेदर है तब तो आंसर मेरे पास कितना है, 720। समझ आ रही है, बात समझ में आ रही है, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, इस पार्ट को रफ कर देता हूँ।
अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम ऐसे ही ले लेंगे कि हमें कोई गोगल्स टुगेदर वाला सीन है ही नहीं है कि हमने ऐसे ही इसको लीडिंग वर्ड को अरेंज करना है। तो जब हम नॉर्मली ठीक है ना आग हम बिल्कुल सारों को अरेंज करेंगे बिना किसी कंडीशन के, यानी कि नॉर्मल, उसमें से हम माइनस कर देंगे टुगेदर को, ठीक है ना, वॉवल्स टुगेदर, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, सभी में से हम वॉवल्स टुगेदर जो है ये वाली अरेंजमेंट माइनस कर देंगे, सारी अरेंजमेंट जितनी भी होंगी उसमें से हम वॉवल टुगेदर वाली अरेंजमेंट माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा वॉवल्स नॉट टुगेदर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब देखो मेरे पास कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मेरे पास 7 है, तो मैं लिखूंगा आर फॉर्म सात सेंटर माइनस। अब वॉवल्स टुगेदर का आंसर हमारे पास क्या आया था, यहाँ से 720 आया था, तो मैं इसमें इसको 720 को माइनस करता हूँ, यानी कि 5 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, और ये जाएगा आपका 7। 7 फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है आपका ये होता है 5040, और ये माइनस कर देंगे इसमें से कितना है 720, तो आपका ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें चाहिए आंसर 0 से 0 गया 2 एंड ये मेरे पास 3 और ये 4, ये हमारा आंसर होगा। आप इस समझ को समझ रहे हो, ये हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, अगर आप स्किप करने की कोशिश करोगे तो आपका चैप्टर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं और थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, तो उसको करने की कोशिश करो आप, तो बताओ मुझे उसका आंसर क्या आएगा, फिर मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हाँ कैसे समझना है। क्वेश्चन आपके पास है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड कॉर्पोरेशन बी अरेंज सच ए वे दैट द वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो मुझे पता है कि आप इसका आंसर जरूर आपको सॉल्व करोगे, और इसका आंसर क्या आएगा ये मैंने एग्जांपल आपको दे दिए इतने सारे, तो आपने क्या करना है, इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, तो आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आप उसको सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। इन हाउ मेनी वे different way can the letter of word detail be arranged in such a way that vowels occupy only the odd position। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, अब हम अगर मान लो जैसे हमने लीडिंग ले लिया, एक वर्ड ले लेते हैं लीडिंग दोबारा से, वो ये कहते हैं कि भाई जो वॉवल्स है वो एक ही मतलब सारे ऑड पोजीशन पर आने चाहिए, जो वॉवल्स हैं ऑड पोजीशन पर आने चाहिए, और जो बाकी बचे हैं कंजोनेंट्स बचे हैं उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन में है डिटेल ही है, हाँ डिटेल है, तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो उसके बाद आपने ये सॉल्व करना है, बताना क्या आंसर आएगा। अब देखेंगे जरा, इसकी पोजीशंस काउंट करेंगे, लोकेशंस 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने प्लेस है, 6 है, तो 6 लेटर हैं और हमारे पास 6 प्लेस है, बट वो कहते हैं कि हमारे पास जो वॉवल्स हैं वो 1 पर आ सकता है और 3 पर आ सकता है और 5 पर आ सकता है। ठीक है, जो वॉवल्स हैं वो ऑड पोजीशन पर आएंगे, तो अब वॉवल्स मेरे पास कितने हैं, ई ए आई ये हमारे पास वॉवल्स हैं, और जो हमारे पास कंजोनेंट्स हैं वो है डी टी एल, हमारे पास तीन ही होंगे। अगर मैं ये बोल देता हूं कि भाई यहां पर पहला अगर मैं इसको लेता हूं उठाता हूं पहले प्लेस को, तो इसके लिए मेरे पास कितने वॉवल्स हैं, कितने तीन है, तो मैं यहां तीनों में से किसे एक कर सकता हूं। ठीक है, तो पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, तीन, मैं बोलूंगा तीन, यहां पर तीन आ सकते हैं, तीनों में से एक आ सकता है, यहां पर कितने आ सकते हैं, एक तो सेट हो गया यहां पर, अब यहां पर कितने आएंगे, दो, यहां पर एक। ठीक है, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 3, 2, 1, हमारे पास वो सेट हो गए। अब बचे क्वेश्चन एंड, जो क्वेश्चन एंड में है उसमें हमारे पास तीन लोकेशन बची और तीन ही मेरे पास क्वेश्चन एंड बचे हैं, तो उसके लिए भी क्या आंसर होगा, 3, 2, 1 सेम ऐसे ही, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे हम 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ आ रहा है, 36। ठीक है,
तो मेरे पास सॉरी इसका आंसर आएगा 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला रीडिंग, इसको आप देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपको समझ में आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ, डिटेल है। इसमें कहते हैं कि जो पोजीशन है बबल्स की वो ओड पर आनी चाहिए, तो मेरे पास ओड के लिए 1, 3, 5, 3 ही प्लेस है, और मैंने क्या किया 3 बबल्स है, तो 3 बबल्स तीनों को मैंने सेट कर दिया, तो मेरे पास कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। उस तरीके से मेरे पास बची फिर 3 पोजीशन, 2, 4, 6, और मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैंने क्या किया फिर 3 फैक्टोरियल, तो मेरा आंसर आया 36 का। अब चेक करते हैं लीडिंग, तो लीडिंग कैसे होगा, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मेरे पास वोबल्स ऑड वाली पोजीशन कौन सी है, ठीक है, अब ऑड वाली मेरे पास कितनी पोजीशन है, 4 है, तो मैं बोल देता हूं 4 पोजीशन है, बट मेरे पास वोबल्स कितने हैं, ई ए आई, और बाकी मेरे पास कोऑर्डिनेट कितने हैं, एल डी एन जी, ठीक है। अब ये देखना है आप लोगों ने कि मेरे पास जो पहले वाला वोवल है इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 4 ऑप्शन अवेलेबल है भाई, ठीक है। तो मैं बोल लूंगा कि ये जो पहले वाला ई है ना, मैं से कोई भी उठा लो एक, तो 4 ऑप्शन अवेलेबल है, चारों में से कहीं सेट हो सकता है। फिर मैं दूसरे वाला वोवल उठाता हूँ, उसके लिए कितने बचे, 3 बचे, इसके लिए कितने बचे, 2 बचे, ठीक है, तो हमारे वोवल सेट हो गए भाई, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे वोवल तो सेट हो गए। अब बचा क्या, कितनी लोकेशन बची है, कितनी पोजीशन बची है, तो मेरे पास टोटल 7 थी, साथ में 4 बची हैं, और 4 ही मेरे पास अब कोऑर्डिनेट बचे हैं, तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा फिर, 4, 3, 2, 1, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये होता है हमारे पास 24, और ये मेरे पास 4 की 12 24, तो आंसर आ जाएगा 576। समझ आ रहा है, हमने क्या किया पिछले वाले क्वेश्चन में, हमारे पास डिटेल में 3 पोजीशन थी वो ओवल की, और 3 ही वैसी थी, तो 3 3 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आंसर आ गया था, बट हमारे पास यहाँ पर 4 पोजीशन, 4 मेरे पास पोजीशन ऐसी हैं जो ओड हैं, लेकिन वोवल कितने हैं, 3 है, तो मैं बोलूंगा कि भाई 3 वोवल तो हमने 4 पोजीशन पर सेट करना है, तो पहले वोवल के लिए 4 ऑप्शन, दूसरे के लिए 3, और तीसरे के लिए 2, और जब हम इसके अरेंजमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो अरेंजमेंट बनाते हैं, अब हमारे पास तीनों वोवल सेट हो गए, पर लोकेशन तो हमारे पास, पोजीशन तो हमारे पास 4 ही बची है, और 4 ही हमारे पास आगे लेटर बचे हैं, तो हमने फिर क्या किया, 4 3 2 1, तो हमारा आंसर आ गया 576, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है वो है आपके पास मशीन, तो इसको आप करो, मैं आपको देता हूँ 30 सेकंड, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखते हैं हमारे पास कितनी पोजीशन है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 है। अब 7 मेरे पास समझे, मैंने लिख दिया ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7, और कौन कौन से है मेरे पास, 1 3 5 7, मेरे पास ये और है। अब वोवल देखते हैं कितने हैं मेरे पास वोवल, ए आई ई, ठीक है, तो फिर वही जो है मेरे पास 4 पोजीशन है और 3 मेरे पास वोवल है, तो सेम क्वेश्चन बन रहा है, सेम जैसा हमने पिछले वाला किया था, तो मेरे पास फिर क्या होगा, ये 4 3 2 1 होगा, अगर तो होगा ही ना, बस उसके बाद कितने पोजीशन बची, 4 बची, तो 4 के लिए फिर मेरे पास जो बचते हैं कोऑर्डिनेट्स बचते हैं वो आ जाएंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास सेम आंसर होगा, तो आपका फिर ये सेम आ गया, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आ रहा है, और इस तरीके अगर हम क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, सच्चे क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन आप गूगल से भी कर सकते हैं, और बुक अगर आपके पास कोई है वहां से भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, किसी भी बुक से करते हैं आप उठा के, तो आपके क्वेश्चन आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा क्वेश्चन जो आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, आई ओपनर क्वेश्चन है, आंखें खोलने वाला क्वेश्चन है, कहता है तो सिंपल है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं, देयर इज 7 डिजिट टेलीफोन नंबर
विद ऑल डिफरेंट डिजिट्स, इफ द डिजिट एट एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट आर 5 and 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड हाउ मेनी सच टेलीफोन नंबर आर पॉसिबल। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 120 and 10000067203024 and 8। यानी कि आपके पास 7 अंकों का एक टेलीफोन नंबर है जिसके लेफ्ट में और राइट में, राइट में और लेफ्ट में 5 और 6 है, ठीक है। और सभी अंक कहते हैं कि डिफरेंट डिजिट है, सभी अंक जो है वो डिफरेंट डिजिट है। तो आपने अब बताना है कि भाई अब कितने ऐसे नंबर पॉसिबल हैं। तो कंडीशन क्या दी है उसने, देखो कंडीशन कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। राइट में कह रहा है 5 आएगा और लेफ्ट में कह रहा है 6 आएगा, ये तो फिक्स हो गया, ये फिक्स है, ठीक है। अब बचे मेरे पास कितने, 1 2 3 4 5, 5 मेरे पास डिजिट बचे हैं बीच वाले, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है कि टोटल मेरे पास जो नंबर होते हैं वो 0 2 0 2 9 मेरे पास टोटल होते हैं, कितने 10 होते हैं, ठीक है। 10 में से 2 तो आगे, यहां पर 6 और 5 ये तो यूज होने नहीं है क्योंकि सभी डिफरेंट है। तो अब कितने बचे, 2 इसमें निकाल दो, कितने बचे, 8 बचे, ठीक है। अगर 8 बचे हैं, मैं यहां पर जो मेरे पास डिजिट है उसको लेने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा इनमें से। तो 8 ऑप्शन होंगे, 8 में से मैं कोई भी ले सकता हूँ, तो मैंने लिखा साहब इसके नीचे 8 ऑप्शन है अवेलेबल। अब 8 में से एक और कम हो गया, तो अब इसके लिए कितने बचे, 7 बचे। अब एक और कम हो गया, इसके लिए 6 बचे, इसके लिए 5 बचे, इसके लिए 4 बचे। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 8 × 5 × 7 × 6 × 5 4, ठीक है, समझ आ रहा है। तो मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन में से कौन सा, 4 में से कौन सा इसका आंसर है 5 में से, और कमेंट बॉक्स में इसको टाइप कर देना, ठीक है। कितना आया, 6720। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रिकेट टूर्नामेंट 5 मैच वर प्लेड, देन इन हाउ मेनी वे रिजल्ट कैन बी डिक्लेयर। ऑप्शन है 16 ways 32 ways 42 48 ways 60 ways। तो मुझे बताओ, एक क्रिकेट टूर्नामेंट है उसमें 5 मैच होते हैं, ठीक है, 5 मैच होते हैं, 5 मैच में हम कितने तरीके से रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। भाई 5 मैच है, हम ये बताओ हमें कि जब एक मैच होता है उसमें जो रिजल्ट होता है उसको ऑप्शन के हिसाब से भी हम करते हैं, जो ऑप्शन में मैच होता है। वैसे हमारे पास रिजल्ट में 3 तरह के रिजल्ट होते हैं, एक होता है कि भाई ये वाली टीम जीतती है या फिर ये वाली हारी है, ये वाली जीतती है तो ये वाली एक दूसरी हारती है, या ड्रा भी हो जाता है, ठीक है। तो आप ड्रा के अकॉर्डिंग करो या उसको करो 2 रिजल्ट ले लेते हैं, 2 रिजल्ट है, ठीक है, एक हारेगी एक जीतेगी। तो पहला जो मैच होगा, 5 मैच है ना टोटल, 5 मैच, जो पहला मैच उसके लिए कितने रिजल्ट होंगे, 2, दूसरे के लिए भी 2, तीसरे के लिए भी 2, चौथे के लिए भी 2, पांचवें के लिए भी 2। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 2 raised to power 5 का होता है भाई, 4 × 8 = 16 32 32 ways। समझ आ रहा है बात, क्लियर है। तो समझने वाली चीजें हैं, ज्यादा हमने इसमें कोई इतना भी नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, और चैप्टर भी ऐसा है कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़े। बट अगर आपको मैथ समझना है, ठीक है, आपको मैथ को दिमाग में फिट करना है, तो आपको ये चैप्टर जरूरी था कराना, इसलिए मैंने आपको कराया है। ये सेकंड लेक्चर है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रही है वीडियो और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि हम और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेते आते रहेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, और फिर दोबारा से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो थर्ड वीडियो होगी, फोर्थ वीडियो होगी, उसमें हम कॉम्बिनेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है हमारे चैप्टर्स के लिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी चैप्टर होता है, तो वो भी अगर ये हम कर लेते हैं चैप्टर कंप्लीट, तो वो कुछ बड़ी बात ही रहती है, वो भी आसान तरीके से सॉल्व उसके क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।